तेरी जरूरत है मुझको ऐ किस्मत, तुझे ये जरा भी गुमान न रहे। जिंदगी में हम अब उतने परेशान ना रहे, हौसलों की कश्ती पर सवार हैं हम, हौसलों की कश्ती पर सवार हैं हम, अनछुए हमसे अब कोई आसमान ना रहे। हार्टफेल्ट वेलकम टू ऑल द वंडरफुल सोल्स आउट देयर, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट राहुल। जैसा कि आप जानते हैं, मेरा शो यानी गली का गालिब एक कोशिश है कविताओं, शेर, शायरी और किस्सों द्वारा आपकी रूह को छूने की और आपके दिल में उतरने की। सबसे पहले मेरे सभी लिसनर्स को मैं ये बताना चाहूँगा कि गली का गालिब को आप अब गाना.com और गाना ऐप पर भी सुन सकते हैं। आज हम इस एपिसोड मेहनत किस्मत या मह किस्मत में बात करेंगे किस्मत और मेहनत की। मह किस्मत ये मेरे द्वारा कॉइंड एक टर्म है, इसका मतलब बताऊंगा और मैं अपनी कविता किस्मत का लिबास भी आपको सुनाऊंगा। दोस्तों, 1960 का दशक था और अमीन सयानी उस जमाने के सबसे मशहूर रेडियो हस्ती हुआ करते थे। ऑल इंडिया रेडियो पर उनका शो बिना का गीतमाला चार्ट बस्टर था। एक दुबला पतला लंबा इंसान रेडियो ऑडिशन के लिए अमीन सयानी का वक्त मांगने कई बार गया, पर हर बार ठुकरा दिया गया। अगर अपनी किस्मत को कोसकर वो बैठा रहता तो बॉलीवुड और ये दुनिया सदी के सबसे बड़े महानायक को खो देते। जी हाँ, अमिताभ बच्चन ही वो शख्स हैं जिन्हें ऑल इंडिया रेडियो यानी कि AIR ने रिजेक्ट कर दिया था। ऐसे और भी कई एग्जांपल्स हैं जहां लोगों ने अपनी मेहनत के दम पर सफलता का मुकाम हासिल किया। बहुत लोग मेहनत नहीं करते और नसीब के भरोसे बैठे रहते हैं, सोचते हैं कि सब अपने आप हो जाएगा। इसी बात से जुड़ी मेरी कुछ पंक्तियां हैं, पेश करता हूं। जिंदगी से क्या शिकवा और नसीब से गिला कैसा, जिंदगी से क्या शिकवा और नसीब से गिला कैसा, तुम मंदिर मंदिर सर झुकाओ या मस्जिद में सजदा लगाओ, मन्नत के लाल धागे बांधो या दरगाह पर चादर चढ़ाओ, जो बोया था वही काटोगे, जो बोया था वही काटोगे, फिर नफा या घाटा कैसा, जिंदगी से क्या शिकवा और नसीब से गिला कैसा, पिछले या इस जन्मों के मिलता है सब कर्मों से, पिछले या इस जन्मों के मिलता है सब कर्मों से, हाथों की लकीरों पर माथे की तकदीरों पर क्यों इतना गुरूर और भरोसा कैसा, जिंदगी से क्या शिकवा और नसीब से गिला कैसा। तो मेहनत कीजिए, अपने नसीब को मत कोसिए। वो कहते हैं ना, लक फेवर्स दोज हु फेवर देमसेल्व्स। इस बात का एक उदाहरण है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी। चाय बेचने से अपने करियर की शुरुआत करने वाला एक बच्चा, उसे देखकर कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था कि वो एक दिन दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का मुखिया बनेगा। चार पंक्तियां निवेदित करना चाहूंगा। बनते थे जो शहर यार, आज हाशिए पर बैठे हैं। हाशिया यानि एज, शहर यार यानि प्रिंस, आप इशारा समझ गए होंगे। बनते थे जो शहर यार, आज हाशिए पर बैठे हैं, सत्ता मोहब्बत कर बैठी चाय बेचने वाले के साथ। किस्मत की फितरत भी है कुछ इसी तरह की, किस्मत की फितरत भी है कुछ इसी तरह की, बगावत नाकाबिलों से इश्क मेहनत कशों के साथ। तब मैं कहता हूं, लक लव्स हार्ड वर्कर्स। अख्तर नाज़मी साहब का एक शेर है, छेड़छाड़ करता रहा मुझसे बहुत नसीब, छेड़छाड़ करता रहा मुझसे बहुत नसीब, मैं जीता तरकीब से हारा वही गरीब। आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगा कि अगर आप भी पोएट हैं, राइटर हैं और गली का गालिब शो पर आना चाहते हैं तो स्वागत है, मुझे जरूर मेल करें गली का गालिब @gmail.com। रिचर्ड वाइसमैन,
एक ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट हैं, फेमस ऑथर हैं। उन्होंने लक पर, नसीब पर काफी रिसर्च किया है और प्रूव किया है दैट पीपल आर नॉट बॉर्न लकी और अनलकी। उनके रिसर्च पेपर द लक फैक्टर के अनुसार किस्मत कोई जादू नहीं है, ये बस आपका एटीट्यूड है। उन्होंने इस गुड लक वाले एटीट्यूड के कुछ टिप्स दिए हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। वो कहते हैं मैक्सिमाइज अपॉर्चुनिटीज, यानी अवसरों को बढ़ाइए। फेमस ऑथर ब्रायन ट्रेसी का एक कोट है, आई हैव फाउंड दैट लक इज क्वाइट प्रेडिक्टेबल, इफ यू वॉन्ट मोर लक टेक मोर चांसेस, बी मोर एक्टिव, शो अप मोर ऑफन। यानी मौका ज्यादा तो सफलता के चांसेस भी ज्यादा। लिसन टू हंचेस, यानी अपने गट फीलिंग की सुने, मन की सुने, सबकॉन्शियस माइंड की सुने, माइंड को मेडिटेशन करके डीक्लटर रखें। एक्सपेक्ट गुड लक, यानी उम्मीद करें कि कुछ अच्छा होने वाला है। इस बात पर मेरी ये सिग्नेचर कोट आपको दे रहा हूं, यदि खुद पर हो भरोसा, यदि खुद पर हो भरोसा तो किस्मत रूठा नहीं करती। जीतना भी एक आदत है, जीतना भी एक आदत है, और आदतें जल्दी छूटा नहीं करती। रिचर्ड कहते हैं टर्न बैड लक इनटू गुड लक, बुरे को अच्छे में परिवर्तित कीजिए। यानी कि अगर अम्ब्रेला भूल गए तो बारिशों में खुद को भिगा लो, अगर टी शर्ट फट गया तो कोई स्टिकर लगाकर सिला लो, मुसीबतें आती जाती रहेगी, मुसीबतें आती जाती रहेगी, मुस्कुरा कर उनका मजा लो। तो आप भी रिचर्ड वाइसमैन की इन बातों को अमल में लाइए। किस्मत के एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पर आपका ध्यान चाहूंगा, आपने भी शायद ये दुख झेला होगा। गुड़िया पूरे साल पढ़ाई करती है, फर्स्ट आती है तो लोग बोलते हैं लकी है। मुन्ना का स्पोर्ट्स में सिलेक्शन हो जाता है तो लोग बोलते हैं किस्मत वाला है। पिंकी का फॉरेन में जॉब लग जाता है तो लोग कहते हैं कि भाग्यवान है, और टिक्कू का जॉब में प्रमोशन हो जाता है तो लोग कहते हैं क्या नसीब है यार। गुड़िया, मुन्ना, पिंकी, टिक्कू की मेहनत, लगन और कोशिशों को अफसोस, लक, किस्मत, भाग्य और नसीब खा जाता है। तब सोचिए उन्हें कितना दुख होता होगा, उनका कितना खून खौलता होगा। अगर आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ है तो अब जो मैं कविता सुनाने जा रहा हूं, ये सीधा जाकर उन लोगों को सुनाइएगा जो आपकी मेहनत को भाग्य का लिबास यानी कि कपड़ा या रैपर देते हैं। कविता का शीर्षक है किस्मत का लिबास। शुरू कर रहा हूं। मेरी शोहरत तोहफा है कड़ी मेहनत का, इसे किस्मत का लिबास मत पहनाओ। सिर्फ काबिलियत और अक्ल की ये बात कहां, सिर्फ काबिलियत और अक्ल की ये बात कहां, हुनर, जुनून और सरगर्मी ले आओ। मेरी शोहरत तोहफा है कड़ी मेहनत का, इसे किस्मत का लिबास मत पहनाओ। एक तरफ गहरा कुआं, दूसरी ओर खाई देखी है, मुझसे रूठते हुए मैंने खुद अपनी परछाई देखी है। उठकर धराशाई, गिरकर गिरकर कई मर्तबा उठा हूं मैं, उठकर धराशाई, गिरकर कई मर्तबा उठा हूं मैं, मुसीबतों के पहाड़ों से इसी तरह लड़ना सीखा हूं मैं। हसरतों की चिंगारियां अपने दिल में जलाए रखता था, हसरतों की चिंगारियां अपने दिल में जलाए रखता था, खुली आंखों में अपनी जीत के ख्वाब सजाए रखता था। ना दिन रात की फिक्र, ना अपनी कोशिशों का जिक्र, ना दिन रात की फिक्र, ना अपनी कोशिशों का जिक्र, अपार मेहनत का पहिया चलता रहा यूं ही बेफिक्र, खुद को इसी तरह घिसकर जीवन चंदन किया है। अंतिम पंक्ति है, आपका ध्यान चाहूंगा, कि खुद को इसी तरह घिसकर जीवन चंदन किया है, तब कहीं जाकर दुनिया ने मेरा अभिनंदन किया है। मेरी शोहरत तोहफा है कड़ी मेहनत का, इसे किस्मत का लिबास मत पहनाओ। मेरी शोहरत तोहफा है कड़ी मेहनत का, इसे किस्मत का लिबास
मत पहनाओ। आज मेरे पॉडकास्ट के माध्यम से मैं किस्मत ये वर्ड दुनिया को देना चाहता हूँ, जिसका मतलब है मेहनत है इसीलिए किस्मत है। बिकॉज देर इज हार्ड वर्क देर इज लक। तो अगर आपसे अगली बार कोई बोले कि यार तेरी किस्मत है, तेरा भाग्य है, तेरा नसीब है, तो उसे रोकना, टोकना और कहना किस्मत नहीं, मह किस्मत है। मेरे सभी मह किस्मत से सरोबार लिसनर्स को ये कहना चाहूंगा कि किस्मत के किस करने का, किस्मत के किस करने का इंतजार मत कीजिए, बस मेहनत के इत्र को महकने दीजिए। अगर गली का गालिब आपकी रूह को छू रहा है तो सब्सक्राइब करें और दोस्तों को अभी, जी हाँ अभी, शेयर करें। आप गली का गालिब को इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, टैग कर सकते हैं और मुझे आपके सजेशंस एंड थॉट्स जरूर भेजिए। आपके कान की गलियों में दस्तक देगा गली का गालिब, आपके दिल को छू लेगा गली का गालिब, आपकी रूह तक पहुंचेगा गली का गालिब। वर्क हार्ड, स्टे सेफ एंड लव गली का गालिब।